आपको दिखाते हैं जी न्यूज की खबर का बड़ा असर। कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से मुंबई में प्राइवेट स्कूल्स तमाम नियमों को ताक पर रखकर फीस बढ़ाते जा रहे हैं और स्टूडेंट्स परेशान हैं। अब जी न्यूज की खबर पर असर हुआ है और खबर दिखाने के बाद सरकार हरकत में आई है और राज्य के शिक्षा मंत्री ने ऐसे मनमानी करने वाले स्कूलों की एनओसी रद्द करने की चेतावनी दी है। रिपोर्ट देखिए। देश के हर हिस्से में स्कूलों की मनमानी की खबरें आ रही हैं, फिर चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई। कल जी न्यूज ने मुंबई में कुछ प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का खुलासा किया था, जिसमें कई नामी स्कूल भी थे, जिनमें से एक है मुंबई का हाई प्रोफाइल विबग्योर चेन ऑफ स्कूल, जहां से फीस बढ़ोतरी की ज्यादा शिकायतें आई हैं। साल 2007 में मुंबई के विबग्योर स्कूल के पांचवी क्लास की फीस 43,000 थी, जबकि साल 2008 में पांचवी क्लास की फीस 83,000 रुपए हो गई। पिछले साल इस स्कूल में क्लास 1 की फीस 1.3 लाख थी, जो अब बढ़कर 1.49 लाख हो गई है। हमारा जो ग्रोथ हुआ है वो क्वालिटी के हिसाब से हुआ है, और जब भी कोई चीज़ का ग्रोथ फास्ट होता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को दर्द होता है। ऐसे स्कूलों के खिलाफ पेरेंट्स भी खुलकर बोलने से डरते हैं, क्योंकि सवाल उनके बच्चों के भविष्य का है। 2010 में फीस वृद्धि के खिलाफ आवाज उठाने वाली अविशा कुलकर्णी की बेटी को स्कूल से निकाल दिया गया था, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्कूल के द्वारा छात्रा को निकाले जाने को गलत ठहराया। अचानक से मार्च महीने में हमारे घर में सर्कुलर आ गया कि हमारी बेटी का जो स्कूल फीस है वो 43,000 से लेके करीब 83,000 हो गया है। तो हम जब कुछ पेरेंट्स स्कूल में पूछने के लिए गए तो स्कूल के जो ट्रस्टी है रुस्तम केरावाला, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको परवड़ता नहीं है तो बच्चों को निकाल लो। क्यों, अगर परवड़ता नहीं है तो बच्चे पैदा क्यों करते हो? मगर उसके बाद भी स्कूलों की मनमानी रुक नहीं रही है। जी न्यूज के द्वारा इस मामले को उठाए जाने के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने नियमों के खिलाफ फीस बढ़ाने वाले स्कूल की एनओसी रद्द करने की वार्निंग दी है। सरकार के फी रेगुलेशन कमेटी के द्वारा ही जो मान्यता प्राप्त 15% 2 साल में वही फी की बढ़ोतरी हो सकती है, और ये फी न भरने पर अगर किसी बच्चे को स्कूल से निकाला जाएगा तो उस स्कूल की एनओसी विड्रॉ करने का शासन को कदम उठाना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि शिक्षा मंत्री की चेतावनी के बाद भी ये स्कूल अपनी मनमानी रोकते हैं या नहीं। नित्यानंद शर्मा, जी न्यूज़, मुंबई।